दोस्तों, जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, आज हम इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है और लो बजट प्लान होने वाला है। ये इस प्लान की अगर बात करें तो 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, 30x30 में पूरा प्लान। और इसमें जो रिक्वायरमेंट थी, हमारे सब्सक्राइबर थे वो कमेंट करके उन्होंने बोला था कि सर मुझे 30x30 का ऐसा प्लान चाहिए जिसमें किचन और आपका जो स्टेयर्स है वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। आपका जो स्टेयर्स है वो सेपरेट हो, अलग हो, और अगर आप एक मंजिल, दो मंजिल या जितने भी स्टोरी घर बनवाना चाहें वो वहीं पर बनता रहे, और सारा मकान जो भी है उनको सेपरेट अलग से चाहिए था। तो उन्हीं के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए आप को मैंने जो मॉडल क्रिएट किया है वो आपको आज हम दिखाने वाले हैं। इसका पूरा ग्राउंड फ्लोर जो भी मैंने क्रिएट किया है और इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। अगर आप ऐसा भी मॉडल बनवाना चाह रहे हैं या इसका 2D प्लान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आपको हमें कॉन्टेक्ट करना होगा, जिसके लिए हमने आपको नंबर दे रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। तो आज का जो प्लान है उसे आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख रहे होंगे ये पूरा मॉडल आपके सामने मैं आज डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा जो कलर मैंने रखा है, हल्का सा पिंक कलर है, हल्का पिंक, और ओवरऑल यहाँ पर ग्रिल वगैरह जो लगी है वो वुडन टेक्सचर में लगी है, ब्लैक कलर का। एक साइड में मैंने डिजाइनिंग के पर्पज़ से एक ब्लॉक क्रिएट कर रखा है, और ये आप जो गुमटी टाइप की देख रही हैं यही आपकी स्टेयर्स है जिन्हें उन्हें सेपरेट चाहिए थी, तो पूरा मैंने अलग ही सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पर आगे आपको एक गार्डन एरिया भी छोड़ रखा है। तो इस मॉडल को डिफाइन करेंगे 30x30 में पूरा मॉडल बना हुआ है। हालांकि बना तो एक कमी में है, लेकिन ओवरऑल 30x30 लिया मैंने। आगे से मैंने 6 फिट छोड़ रखा है जो बारंदा टाइप का आप देख रहे हैं, इसके बाद इधर आपका एरिया छूटा है। तो लगभग ये 750 से 800 स्क्वायर फुट कवर किया गया है मकान में। और इसका डिज़ाइन ऐसा है जो कि एक लो बजट डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें क्रिएट नहीं की इससे आपका बजट इंक्रीज हो जाए। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर पर अगर आप जाते हैं तो ये देखिएगा पूरा ओवरऑल आपका ग्राउंड फ्लोर है। ये आप जो एक प्लर टाइप का देख रहे हैं आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, मैंने एक साथ बना दिया है फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के लिए। तो ये दो पिलर हैं जिस पर आपका ये पूरा बारंदे का छत टिका हुआ है। इसका फ्रंट डिज़ाइन या फ्रंट डोर आपका ये है, और दोनों साइड मैंने वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा रखा है। तो अब जैसे फ्रंट से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं दो बेडरूम। दोनों बेडरूम आप देख सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग डोर, और फ्रंट में जो आगे आपका बेडरूम बना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट विंडो दिया है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन या हवा वगैरह पास होती रहे। वहीं बात करें और, तो ये आपका यहाँ पर पूजा घर दिया है, ये आपका किचन है, और इधर आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे देख सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट कर रखा है। इस स्टेयर्स को मैंने सेपरेट इस वजह से किया है जिससे आप एक स्टोरी, दो स्टोरी जो भी घर बनवाए तो इसी के ऊपर आपका स्टेयर बनता रहेगा, और आसानी से आप घर पर जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। इधर भी मैंने एक विंडो दिया है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर था जो मैं आपको दिखाया। मैं ऐसे मैक्सिमम जूम आपको और कर देता हूँ जिससे आपको और इसकी रियलिस्टिक चीज़ें समझ में आ जाएँ। देख सकते हैं डोर वगैरह, विंडो वगैरह, और इसका जो ग्रिल मैंने दिया है ना स्टेयर्स का, वो भी आप देख सकते हैं इधर पूरा ग्रिल से इसको मैंने कवर कर दिया है। तो ये पूरा फ्रंट एलिवेशन ग्राउंड फ्लोर का था। ये रूप की अगर बात करें तो 9 फिट पर आपका छज्जा बना हुआ है, इसके बाद लगभग 11 फिट पर आपका जो फाइनल रूफ है, छत है, वो बनी हुई है। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर 3.5 फिट का बाउंड्री वॉल चारों तरफ, इसके बाद स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी जो जैसा कि आपने देखा था, और यहाँ पर विंडो प्रॉपर तरीके से, ये डोर है जिससे आप छत पर आ पाएंगे। अब बात करते हैं ग्रिल की। तो यहाँ पर जो ग्रिल का कॉम्बिनेशन दिया है ये ब्लैक कलर के टाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये वाला जो ग्रिल है ये आपको स्टील और आयरन का मिक्सर है, और यहाँ पर जो आयरन की पट्टियाँ लगी हुई हैं वो आपको मैंने वुडन टेक्सचर में दी हैं। आपकी लकड़ी की जो कलर होता है वो कलर को मैंने यहाँ पर कंबाइंड किया है जिससे इस ग्रिल की खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल 30x30 का ग्राउंड फ्लोर बनाया है। फर्स्ट पर ग्रिल और आपकी गुमटी बनी हुई है। ये पूरा मकान आपको मैं चारों तरफ से और दिखा देता हूँ, हालांकि चारों तरफ से ये मकान क्लोज्ड केवल फ्रंट से ही ओपन है। तो ये ओवरऑल 900 स्क्वायर फीट में अप्रॉक्स बना हुआ था मॉडल। तो दोस्तों, अगर ये मॉडल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ।
आपको ध्यान ये रखना है कि 50% पेमेंट वहाँ पर आपको एडवांस देना होता है, 50 बाद में देना होता है, बशर्ते पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। खास करके कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबरों पर तो कॉल बिल्कुल ही ना करें, नहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।